बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ और तकरीबन 2 महीनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं ना एग्ज़ाम्स दे के उसके बाद ही मैं ना फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर इसलिए मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे। और फिर एग्ज़ाम्स मेरे हो गए थे, तो कब हुए थे, कब ख़त्म, 19 को ख़त्म हो गए थे मेरे। और उसके बाद फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो उसका भी काम होता था, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो अब हमारा सिर्फ एक लास्ट डे रह गया, मंडे को हम लोगों ने जाना है, उसके बाद हमारी छुट्टियाँ। तो अभी मैं स्कूल से आई थी, तो आज ना मम्मा बना रही है फालसे का जूस। वैसे रोज़ाना मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है फालसे का जूस बनाने की। तो अभी मैं स्कूल से आई थी ना, तो पापा ने ड्यूटी पे जाना था, तो इसलिए मम्मा जो है आज फालसे का जूस बना रही है। तो अभी अंदर ही है मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, आज आपकी ड्यूटी हो गई। चलो, ये जुगाड़ू तरीका देखे। अच्छा, एक्चुअली हम लोग पाकिस्तानी आवाम है ना, तो पाकिस्तानी आवाम तो ऑब्वियसली कर लेती है जुगाड़े, तरीके तो निकाल लेती है। और एक मिनट मम्मा, एक मैं बात बता दूं कि ना, आप मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, तो मानो के तो बच्चे आप लोगों ने देखे ही होंगे जो पहले मैंने व्लॉग बनाए थे 2 महीने तकरीबन पहले, तो उसमें मानो ने 7 बच्चे दिए थे ना, तो सारे के सारे मर गए। तो एक दो मम्मा ने सेल किए, दो किए थे आपने सेल? जी, दो मम्मा ने सेल किए थे, और बाकी जितने भी हमारे पास थे वो सारे मर गए। और जो जिनको हम लोगों ने सेल किए थे वो वाले भी मर गए, कोई भी नहीं बचा। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या आया वो भी दिखाऊंगी मैं, रुके सफर करें दिखाऊंगी। चले आप बनाएं। सो हमारा जूस जो है वो रेडी होने वाला है, और इसके अंदर मम्मा डालती होती हैं क्या, हाँ, काला नमक। काला नमक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मम्मा ने पापा को जूस दे दिया और वो ड्यूटी पे चले भी गए हैं, और अब मैं पीऊंगी। तो मम्मा मुझे डाल के दे रही हैं, वाह। और अमारा वहाँ पे पी रही है, पिए पिए। तो अब जूस मैं पी लेती हूँ और गर्मी से राहत पाती हूँ। वैसे इतनी गर्मी तो होती नहीं है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ठंडा है होता है, क्योंकि बादल वगैरह आए होते हैं। और आज भी बारिश बताई है, और कल भी हुई थी बारिश, उनकी शायद कल हुई थी, परसों हुई थी, परसों हुई थी, परसों हुई थी, और काफ़ी तेज़ हुई थी बारिश। और आज देखो होती है कि नहीं होती है। तो अभी मैं पीती हूँ जूस और बाद में बाकी काम करते हैं हम। चले जी, अब चूज़ों को भी हम थोड़ा सा ना ठंडा करके आते हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ पे डालती हूँ, ये लो खाओ। ये तो सारे चूचू वाले ही आ गए, छोटे चूजे कहाँ गए, वो आएंगे नहीं, ये चूचू ना मारता है उनको। ये रे चूजे, ये मम्मा ना लाई थी मतलब मंडी से, कितने 24 चूजे लाई थी। और लेकिन अब ये कितने रह गए हैं, तकरीबन 11 रह गए होंगे, 10-11 इतने रह गए हैं। पहले तो एक महीना ना ये बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल छोटे छोटे से ये थे, बिल्कुल छोटे छोटे से। और एक महीना बिल्कुल सही रहे हैं, और उसके बाद एक मरा, और उसकी वजह से सारे मरते गए मरते गए। और हम मम्मा ने सर्दियों में सिल्की वाले चूज़े भी लिए थे ना, जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो मम्मा ने वो भी लिए थे, और वो भी सारे मर गए थे, सिर्फ एक बच्चा था, वो भी मर गया। जब ये वाले बच्चे मरना स्टार्ट हुए, सिल्की भी मर गया, और बाकी अब यही रह गए। और बाकी जो मुर्गी है वहाँ पे, ये इसने, इसको भी हम लोगों ने ना अंडों पे बिठाया हुआ था, तो इसके 4 बच्चे निकले। और ये वाली मुर्गी, ये भी अंडों पे बैठी थी, लेकिन इसका सिर्फ एक वो छोटा सा जो चूजा निकला है, पूरा सिर्फ एक, बाकी सारे मतलब अंडे अंडे में बने थे, लेकिन वो अंडों में ही मर गए। और पहले हमारे पास वाइट वाले खरगोश थे ना, उनका जोड़ा था एक, तो वो वाले मम्मा ने सेल कर दिए थे, और फिर उसके बाद ना मम्मा दूसरे लेके आई थी, छोटे बच्चे, तो वो लेके आई, और उसमें से भी एक मर गया, वो गर्मी की वजह से शायद मरा होगा। और पहले, अब तो नहीं है ना इतनी गर्मी, पहले जब 1-2 दिन आई थी ना गर्मी, तब उसमें ही वो मरा था, तो शायद उसको गर्मी का धचका लग गया होगा, तो इस वजह से मर गया वो भी।
और अब सिर्फ एक बचा है और वो बेचारा घूमता रहता है और उसके साथ सिम्बा हर वक्त खेलता रहता है, उसको इतना भगाता है बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, हमारे पास ना ये देखें बिल्ला, ये ना जोड़ा आया था पूरा, एक ये बिल्ला और इसके साथ एक बिल्ली भी थी, तो ये हमें ना पापा के फ्रेंड ने दिया था। ये रही बिल्ली, तो आज मम्मा सालन में बना रही हैं सब स्टोरी और गोश्त। अच्छी लगती है ना चिकन के साथ, ये मजे की लगती है। रोटियां बन गई? नहीं अभी नहीं बनाने। ओके गैस भी जाने वाली है। इस जनाब के काम देखें, बेड पे आ गई है। और ये देखें, ये है मानो की बेटी। ये रेनबो था ना जो हमारे पास, ये वो जब रेनबो था ना, ये उसकी ही औलाद है। तो ये ना हमने एक पूरा ना पेड़ जो था हम लोगों ने लाहौर भेजा था, और ये एक तो मर गया था लाहौर में, और बाकी जो मादी थी वो उन लोगों ने भेज दी। तो अभी अभी मैं एकेडमी से आई हूँ, और अभी मौसम इतना ज़्यादा प्यारा आ रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और आज ना वेदर में बताया कि आज 8 बजे और रात को 2 बजे बारिश होगी, तो देखो होती है कि नहीं होती। और यहाँ पे आई हुई है हमारी ताहिरा आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट कर रही हैं। तो गाइस को भाई कहना तो है ना? हाँ हाँ कहें कहें। हाँ बस अब कह रही है। चले आ रही हूँ कहीं वॉक पे। वो वॉक पे? वॉक पे नहीं नहीं हाँ? सैर करने। कहाँ? कहीं भी, मुझे तो नहीं पता, जानने से। कहाँ देखो, क्या प्लान बनाए हुए हैं? हाँ, मुझे बता दें। प्लान बना रहे थे ना, कहाँ का हमने कहा देखते हैं, अभी पता अभी नहीं है, डिसाइड नहीं किया। ओ, अभी सिर्फ आपके अंकल से बात की है। ओके, तो सुबह जल्दी अपना अपना पका कर, नहीं एक ही जगह, कहाँ जाए, एक ही जगह बना के लेके जाएंगे खाना वगैरह। जाना कहाँ है ये अभी डिसाइड नहीं किया, सारे सुबह इकट्ठे होंगे ना, नानों घर वाले, शादी आंटी, नानी अम्मी, फिर उसके बाद प्रोग्राम। भाई यहाँ पे तो सिर्फ रहीमेर खान में एक डेजर्ट थी सात का बाद, हाँ लेकिन सात का बाद कैंसिल कर दिया। अब देखो, ओ आई सी, तो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे अक्सर अब ना यही होता है कि प्लान बनता है और उसके बाद कैंसिल हो जाता है। हाँ सही बात है, पिछली दफा भी बना था, पिछली दफा ट्यूबवेल पे नहाने के लिए बना था। हाँ वो भी कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया। यस, एक और बात बताती हूँ मैं, ये जो है ना छुपी रुस्तम, ये पूरा एक महीना लाहौर गुजार के, ये ईद के पहले दिन ही मीन्स रात को चले गए थे, और फिर पूरा महीना लगा के आए हैं। मेरे एग्जाम्स तब भी चल रहे थे क्योंकि आगे डिले हो गए थे, तो इसलिए तब भी वहाँ पे ही थी है, और मेरे एग्जाम्स के बाद आई है या दरमियान में आई थी, मतलब मेरे 2 रह गए थे पेपर बस, और फिर आई थी। लेकिन ये कि मज़ा बहुत आया था, इतना मज़ा आया था, हम घूमने के लिए गए, मीनारे पाकिस्तान गए, बादशाह मस्जिद गए, किले पे गए, हाँ हाँ बहुत मज़ा हम लोगों को आया है। अब मैं दोबारा इसीलिए जा रही है दोबारा, नहीं अब देखूंगी ना, अगर छुट्टियों में अगर इनका काम सेट हो गया, गैस का भी और मेरे मियाँ का भी काम सेट हो गया, तो फिर तुम्हारे अंकल का ही, तो फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो रही है, वाओ कितनी बेवफाई, अल्लाह कितनी बेवफाई। मजे की बात क्या है, मैं आपको मजे की बात बताऊँ। क्या? हमने जाना भी रिक्शे पे, चस्के। मैं तो आपकी मम्मा से बोल रही हूँ, रिक्शे पे इकट्ठे चलते, 1-2 महीने तक पहुँच जाएंगे फिर आराम से, है ना? नहीं अगर यानी के सुबह सुबह निकले तो रात को यानी के 1 दिन में पहुँच सकते, लेकिन ये की ज्यादा रिक्शा नहीं ना चलाना, तो इसलिए यानी के 5-6 घंटे चला के फिर स्टे करेंगे, फिर अपना अपना चीजें लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे हम बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, हाँ। मैं आपकी मम्मा को बोल रही हूँ कि चले, आपकी मम्मा भी चले, कॉल आ रही, मम्मा भी चले, मम्मा जाने रक्षे पे, रक्षे पे इतनी दूर। हाँ। मैं आ रही। अच्छा, चले जी, ये तो होगी मसरूफ, चले बाय बाय, चलो बाय बाय, आई एम गोइंग। और अभी अभी अमारा ने बनाया ये रोल टाइप का, काफी मजे के आए, मजे के बने, टेस्टी। और बस मैं आज का ना व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, अभी मेरे हाथ में है, मैं दुपट्टा भी नहीं पहन सकती। अच्छा, तो मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, और यही बताना था मैंने कि अब कल से प्रॉपर मेरा व्लॉग आएगा, तो आप लोग व्लॉग देखना और इंजॉय करना। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।